हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपने आप में अनोखी है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं। एक्चुअली में आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपके स्कूल के कोई भी डॉक्यूमेंट, वो पीडीएफ फॉर्म में मांगे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं पीडीएफ कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले पीडीएफ को बनाने के लिए हम एक ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर को अपने ओपन कर लेना है और वहाँ पर आप लिखेंगे CSA। ठीक है, CSA लिखकर आप सर्च करेंगे। जब आप CSA लिख देंगे तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे आएगा कैमरा स्कैनर एडवांस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है इसलिए मेरे इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जब आप खोलेंगे तो आपके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जब आप इसको आप अपने मोबाइल से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने का ओपन करेंगे तो आपको भी इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, इसका होम पेज है, तो इसमें लिखा है स्कैन यूजिंग कैमरा, स्कैन यूजिंग गैलरी और इमेज टू पीडीएफ। ठीक है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, तो जिसको आप किसको भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैमरे से खींच कर भेजेंगे तो इसका पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना, यदि आपके फ़ोन में पहले से ही फ़ोटो पड़ी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कैमरे के थ्रू दिखाता हूँ, तो आप कैमरे वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, ये आपने क्लिक कर लिया। अब ठीक है, ये है, अब मुझे ये भेजना है किसी को। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, फ़ोटो खींच लूँगा इसकी एक। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो खींच गई, यहाँ पर राइट और रॉन्ग का ऑप्शन हुआ, यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। जब आप राइट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फ़ोटो को एडजस्ट करने के ऑप्शन आएंगे कि यदि आपका फ्रेम से बाहर हो रहा होगा तो फ्रेम के अंदर कर लीजिएगा उसको। यहाँ से सेटिंग करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ मत कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी फ़ोटो ब्लैक एंड मतलब बहुत ज़्यादा बरी हो रही है, ठीक है, ब्लरी हो रही है, मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मट्टी ऐसे कुछ आ रहा है, अच्छे साफ नहीं दिख रही, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, साफ़ हो जाएगी थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट करके। ठीक है, फिर आप इसको ग्रे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मतलब मैजिक। लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम ओरिजिनल भेजनी है, यदि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही है तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब इसको ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब आप जैसे आप अपने एग्ज़ाम की कॉपी को भेजना चाहते हैं, तो आपने जो कॉपी में एग्ज़ाम किया वो तो एक दो या तीन चार पन्ने का हुआ है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पन्ना अभी स्कैन हुआ है, तो आप दूसरा पन्ना भी स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, तो मोबाइल यहाँ पर कैमरा बना है, कैमरे वाले पर क्लिक कीजिए। कैमरे वाले पर क्लिक करने के बाद आप अपना दूसरा पेज भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपने कॉपी में कोई पेज दूसरा लिखा हुआ है उस पेज पर दोबारा से क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक हो गया, क्लिक होने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, फिर यहाँ से इसको आप राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिए अपने फ़ोटो को अपने फ्रेम के अंदर, जिस फ्रेम के आप अंदर लेना चाहते हैं तो वो उतना फ्रेम का ले लीजिए। लेने के बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए, फिर आपको दोबारा से ये ऑप्शन आपको दिखाईगा। ठीक है, यदि आपके पास एक पेज और स्कैन करना है तो आप दोबारा से प्लस का ऑप्शन जाके और कैमरे पर जाके दोबारा से इसको फ़ोटो खींच कर सेम प्रोसीडर से आप दोबारा से इसको ओके कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए एंड देन सॉरी थोड़ा बैक कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से बैक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फ्रेम में लेके आते हैं, फ्रेम से आउट ऑफ फ्रेम था तो मैं इसको अंदर फ्रेम के अंदर ले आता हूँ, तो मैंने इसको फ्रेम के अंदर लिया है। अब इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको दोबारा से तीन पेज हो गए। इस तरह से आपके चार या पाँच या छः पेज हैं, तो आप उसको कंटिन्यू स्क्रीन प्लस पर जाकर क्लियर कंटिन्यू इसको ऐड करते रहिए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिखाएंगे, सेव पीडीएफ और सेव इमेज, आपको सेव पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ का नाम लिख दीजिए, जैसे आपने टेस्ट दिया साइंस का तो SCIENCE साइंस, और अपनी क्लास लिख दी सिक्स्थ क्लास, और अपना नाम लिख दिया, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ AJAY, तो अपना नाम लिख दिया अजय। ठीक है, और इसको कुछ मत छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी, बस आपको नॉर्मली इसको क्लिक करके आप इसको ओके कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेव हो गया। ठीक है, जो आपने सेव किया वो आपको नाम से शो हो जाएगा, साइंस सिक्स क्लास अजय, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके
आपके मोबाइल में ऑप्शन आ जाएंगे, ड्राइव पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको सब फोटो दिखेंगे, ठीक है। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, तो कंटिन्यूस तीन पेज आपके आ गए पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आप सेव, इस तरह से आप अपने मोबाइल से पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर गैलरी से, यदि आपने पहले से ही मोबाइल में फ़ोटो खींच कर रखी, जैसे मैं क्लिक करी यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको मुझे पहले से ऑप्शन मिल जाएंगे, यदि मैं कोई फ़ोटो पहले से खींच कर रखी है तो मैं उसको पीडीएफ बनाना चाहूँगा, तो मैं उसके थ्रू यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके पीडीएफ बना सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आप जरूर सीखें, आई होप कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा इसमें और इसका सही इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।